नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति चौरसिया। नजरिया में आज हम खास मुलाकात करेंगे मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे से। कटारे जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज। धन्यवाद। कटारे जी, इन दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो अरुण यादव है उन्होंने अपनी टीम तो बनाई, उसमें 20 महीने लग गए और उसके बाद भी बवाल मचा हुआ है। देखो, ऐसा होता है जब कुछ क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया होती है, और क्रिया करने में कहीं अगर थोड़ी सी चूक हो जाए, गलती हो जाए, तो और ज़्यादा प्रतिक्रिया होती है। तो अरुण यादव ने बेचारे पहली बार तो टीम बनाई, और उन्होंने टीम बनाई, कोशिश की कि अच्छी बने, पर कुछ न कुछ कमी रह जाती है। उन्होंने स्वीकार किया कि हमसे भी कमी रह गई है, हम उन लोगों को अकोमोडेट करेंगे जो अच्छे लोग रह गए हैं। तो दोनों चीज़ें हो गई, उन्होंने मान भी लिया कमी हुई है, हम उस कमी को सुधारेंगे और सुधर जाएगी। मुझे उम्मीद है कि हम लोग मिल बैठ के सुधार लेंगे। आप खुद भी नाराजगी जता चुके हैं, माणक अग्रवाल भी नाराज हैं, आरिफ अकील भी नाराज हैं, दिग्विजय हाँ, सिंह के समर्थक भी नाराज हैं। नेचुरल हम नाराज तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रसन्न नहीं है। और जो कमेटी बनी उसमें बनाते समय जो भी चूक रही हो सो हो गई, लेकिन हुई। अब अरुण किस ने खुद ने माना कि गलती हो गई है, तो जो खुद गलती मान रहा है उसको सुधारेंगे, तो फिर उसको क्यों नहीं मानेंगे? मानना पड़ेगा सब लोगों को, तो मान के उसको सुधारें। किस तरह का संशोधन चाह रहे हैं आप? कौन सा संशोधन होगा? देखो, असंतोष और संतोष व्यक्त करते हैं लोग अपने तरीके से, तो उसके तो अपने अपने तरीके हैं। किसी ने हार्ड एंड ब्लंट कर दिया, किसी ने मीठी कर दिया, किसी ने व्यक्त किया नहीं, किसी ने ज़्यादा से ज़्यादा बहुत पूछा तो इनडायरेक्टली कह दिया, हमसे ही पूछा तो हमने कह दिया, मैंने हाँ चूक हो गई है, तो चूक हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब उसको सुधारने के रास्ते निकल रहे हैं, तरीके निकाले जा रहे हैं, जैसे आरिफ अकील, माना का अग्रवाल फिर से पदाधिकारी बनेंगे और रहेंगे। वो पदाधिकारी, ये मान के चलो वो पदाधिकारी हटाए ही नहीं गए दोनों, तो ये है। लेकिन बाकी और जो बदलाव किए गए हैं, वो बदलाव कुछ किए गए हैं, तो उसमें देखेंगे कैसे कैसे सुधारेंगे, सुधार के उसमें संशोधन करके तब फिर आगे बढ़ेगी। सुधार के तरीके निकाले जा रहे हैं, तो किस तरह के तरीके होंगे? एक दो कुछ पे तो आप लोगों का डिस्कशन हुआ होगा। भाई, तरीका एक ही होता है, नटशेल में कहेंगे कि आप अकोमोडेट नहीं हो पाए हैं, हम आपको अकोमोडेट करेंगे। इसका मतलब ये कहा जाए कि कार्यकारिणी और जंबो होगी, आकार और बढ़ हाँ, जाएगा। होगी क्या बुरा, हमें जी बताइए, हम विपक्ष में बैठे हैं इस समय, हमारी कार्यकारिणी बड़ी नहीं रहेगी तो छोटी क्यों रहेगी? क्या सरकारी पदाधिकारी है, सरकारी दल के पदाधिकारी हैं, जितनी बड़ी हो सकती बनाएंगे। क्रियाशील लोगों को बाहर नहीं छोड़ेंगे, उनको अकोमोडेट करेंगे। जो लोग छूट गए हैं उनको वापस साथ में लिया जाएगा, उनको अकोमोडेट करेंगे। हाँ तो आरिफ अकील और माणक अग्रवाल दो नाम आपने बताए, हाँ तो ऐसे और कितने नाम हैं जो जुड़ेंगे, जिनको वो अकोमोडेट जुड़ किया रहे हैं, जाएगा? देख रहे हैं। कोई जनरल सेक्रेटरी से नीचे बनने नहीं चाहता था, अब वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गया है, तो वो बन के भी ना खुश है, तो उसको भी कुछ देखना पड़ेगा। और बाकी चीज़ें हैं, सार उसका यही है कि आपको संतुष्ट होना था, आपको अकोमोडेट होना था, वो आप नहीं हो पाए। मतलब आपकी बातों से तो लग रहा कि संशोधन तो नहीं होगा, बल्कि संशोधन के नाम पे आमूलचूल परिवर्तन होगा, क्योंकि जो जो बना है उसे वो भी नहीं बनना है। ऐसा नहीं कह सकते, ये अर्थ का अनर्थ आप लोग लगाते नहीं, रहते हैं, मतलब जो जो बना इससे है उसे इससे वो भी रायता नहीं फैल बनना जाता है। है, तो उसे भी ठीक करना होगा, और जो नहीं बना उसे भी लेकर आना है, तो बदलेगा तो बहुत कुछ ना। संशोधन मतलब थोड़ी बहुत गुंजाइश, हाँ, ये तो उससे कहीं ज्यादा आप बता रहे हैं कि जो जनरल सेक्रेटरी से नीचे कोई बनना नहीं चाहता वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गया, तो वो नाराज है, तो उनको भी ठीक किया जाएगा, जो छूटे हैं उनको भी लाया जाएगा, तो ये तो बड़ा भारी परिवर्तन हो जाएगा, बड़ा फेरबदल जिसे कहा जाए। हाँ तो हो जाएगा। कांग्रेस का के लिए है परिवर्तन है, कांग्रेस को 10 साल बदले हुए हो गए, 10 साल से कांग्रेस लौट के सरकार में नहीं चढ़ पाई है, तो जो बदलाव होगा सो होगा, हम नहीं करेंगे तो लोग कर देंगे। इसलिए लोगों की राय देख के या लोगों की समझ से देख के हम ही थोड़ा परिवर्तन करें। लोग कर देंगे मतलब कौन लोग करेंगे? लोग कर देंगे मतलब कांग्रेस की संगठन चुनाव कार्यकारिणी हो में रहा कौन है, लोग कर सकते हैं? संगठन चुनाव भी हो रहे हैं, तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, एक बात आ रही है कि आपको लगता नहीं कि अरुण यादव जी जब से आए हैं तब से पार्टी कुछ कमजोर हो रही है? माणक अग्रवाल ने बोला कि जब तक ये अध्यक्ष है मैं पीसीसी की सीढ़ियां नहीं अब मैं चढ़ूंगा। दीप्ति जी बीमार बना रहा
तो वजन तोलने की मेरी क्षमता कम हो गई है, इसलिए मैं वजन तोल नहीं पाया, कमजोर हो गई है। ठीक है, पर मुझे ये भरोसा है, ये आप मेरी लाइन नोट कर लें, 2018 में हम लोग सरकार बनाएंगे, कांग्रेस यहाँ सरकार बनाएगी, बीजेपी शिवराज सिंह, इनके जो है अपना अरविंद मेनन और इनके जो और भी हैं नौरख तौरा करने वाले, वो सब लगे रहे तो भी नहीं रोक पाएंगे। कार्यकारिणी तो बदलेगी, क्या अध्यक्ष भी बदलेगा? नहीं, कार्यकारिणी बदलेगी, अभी तो ये है, अध्यक्ष बदलने की क्या जरूरत है, बढ़िया काम कर और रहा है इन्हीं अध्यक्ष, इन्हीं अध्यक्ष के कार्यकाल में बदलेगी या नए अध्यक्ष आके ये बदलेंगे? यही अच्छा, लगता नहीं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस को जो है दिल्ली आलाकमान के नेताओं ने उसके हाल पे छोड़ दिया है? दिल्ली से कोई पूछ परख नहीं हो रही है, कोई देख नहीं रहा है कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा देखिए है? बड़ी मुसीबत है, अगर दिल्ली उनको फ्री नहीं छोड़े तो आरोप ये लगता है कि दिल्ली चैन नहीं लेने देती है, दखल देती रहती है, काम नहीं करने देती है, अगर फ्री कर दिया तो बोले अच्छा कांग्रेस को फ्री छोड़ दिया यार, आला कमान ने कांग्रेस को फ्री छोड़ दिया है, तो ये सब अब ये कुछ ना कुछ तो हो गई। हमने चलिए, चाहे एक दिल्ली ही की सार दखल, आपको बता दिया कि आरिफ अकील और मानक अग्रवाल दोनों ही कार्यकारिणी में एज इट इज हैं, आप ये मान के चलिए, मोहन प्रकाश जी से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला क्या वो हैं। अच्छा, और इन दोनों के रहने से ये माना जाए कि आप 2018 में सरकार बनाएंगे? नहीं, 2000 में सरकार बनाने के लिए तो बहुत मानक अग्रवाल बहुत आरिफ अकील लगेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे व्यापम का मुद्दा आपने बहुत उठाया, पिछले चुनाव से पहले भी उठाया, इस समय भी उठाया, अभी भी उठाया, और ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो आप लगातार सदन में उठाते हैं, लेकिन कहाँ कमी रहती है कि सदन के बाद वो सारे मुद्दे सड़क पे नहीं आ पाते हैं, ऐसा उतनी है, शिद्दत से सड़क पे नहीं आते हैं जितनी शिद्दत हम से सदन में मानते आते हैं हैं? कि हमने सदन में तो उठाया, सदन में गदर भी मचा, सरकार निरुत्तर भी हो गई, लेकिन फिर हम उसको सड़क पे उस तरीके का नहीं उठा पाए, तो ये हमको थोड़ी हमारी कमी रही, इसको सुधार रहे हैं, कर रहे इसके हैं पीछे कुछ तो कारण कि होंगे, क्या उठे कारण देख पाते हैं आप सदन में, लोग? उठे उसके साथ ही सड़क पे संगठन में भी उठ जाए। ये लेकिन क्या कारण, क्या देख पा रहे हैं जो अभी तक कमी रही इसके पीछे? अब वो इतनी कमियां तो एक दो बनी रहती हैं, तो वो कमियां तो अब गिनाने हम नहीं बैठेंगे यहाँ, लेकिन हम उनको सुधारने बैठेंगे और सुधारने की कोशिश करेंगे, हमें उम्मीद है अरुण हम मिलके ये कमियां सुधारेंगे और फिर सुधार के उठा के संगठन चलाएंगे। अच्छा, ये युवा कांग्रेस हो, NSUI हो, महिला कांग्रेस हो या सेवा दल हो, सबकी भूमिका धीरे धीरे सिमटती जा रही है। तो जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि जो मेन संगठन है उसको मजबूत करेंगे प्रदेश में, तो इन लोगों को भी मजबूत करने का कोई प्लान है क्या, कोई योजना है क्या इनको पार्टी के बिल्कुल पास? है पूरा, आप देखिए अभी 4 दिन पहले हम व्यापम की वो बनाने, ये काले कड़वे दिन वो मनता है ना, क्या कहेंगे श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध, तो वो यूथ कांग्रेस को दिया काम, यूथ कांग्रेस करेगी, NSUI को कोई काम दिया जाता है तो वो NSUI करती है, और फिर ये लोग स्वतंत्र हैं कि आपको कोई काम लगता है आप उसको करो, जो नेता चाहिए बुलाओ वो आएगा, हम बीमार होते हुए गए अभी तालाब के किनारे श्राद्ध देने, तो इसलिए सब लोग शामिल रहेंगे और फिर सबका सामूहिक बड़ा प्रोग्राम जो होगा वो कांग्रेस लीडरशिप में, उसमें वो विधायक दल और यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस, सब खड़े हों। तो ये इस तरह के कार्यक्रम तो लगातार आप देते आ रहे हैं कि यूथ कांग्रेस व्यापम के बाहर प्रदर्शन करती है, व्यापम पे कुछ कर रही है, महिला कांग्रेस उतनी सक्रिय नहीं दिखाई दे रही, और सेवा दल का तो कहीं कोई वो है ही नहीं। देखो ऐसा है, आपको यूथ कांग्रेस कैसे सक्रिय दिखना चाहती है हमें ये बताओ, यूथ कांग्रेस, NSUI, ये सब अपने अपने फ्रंट पर सक्रिय हैं या नहीं है, और फिर खड़े होते हैं इकट्ठे, अभी अभी फिर देख लेना, इस महीने में ही दिवाली तक में सारे संगठनों के सारी ब्रांचें सब एक्टिव हो जाएंगी, क्रियाशील अच्छे से। लेकिन तब भी मध्य प्रदेश कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष, अध्यक्ष, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और जितने सारे संगठन हैं कांग्रेस के, उनका वो तालमेल नहीं दिखाई देता जो छत्तीसगढ़ में दिखाई देता है।
छत्तीसगढ़ में कौन सा नया तालमेल है जो यहाँ नहीं दिख रहा, बताओ। छत्तीसगढ़ में सब एक साथ मिलकर एक मुद्दे को उठाते हैं, हाँ तो फ्लोर पे यहाँ भी होता है और बाहर भी होता है, लेकिन देखो, यहाँ वो तालमेल नहीं दिखाई यहाँ दे भी रहा। उठाते हैं एक चीज को। आप क्यों नहीं समझती हो कि छत्तीसगढ़ में दोनों में से कोई नेता बीमार नहीं है, इस पोजीशन में नहीं है कि वो नहीं आ पाए, बीमार। हम इस स्थिति में बीमार हैं, ये मानना पड़ेगा आपको कि नहीं। तो इसलिए थोड़ा हम कम हो जाते हैं, 2 महीने से हम पीसीसी में नहीं जा पाए क्योंकि सीढ़ी नहीं चढ़ पाते, सीढ़ी नहीं चढ़ पाते थे तो वो कैसे जाए। जिस तरह से आप अपने स्वास्थ्य की बातें बता रहे हैं कि इस कारण से हम पिछड़ रहे हैं, नहीं ये तो हो क्या, रहा ये है। इसमें चोरी की बात क्या है अगर हम मान लो नहीं कर पाते। हालांकि दिल्ली की एक भी मीटिंग हमने नहीं छोड़ी, एक भी अच्छा कभी नहीं छोड़ते। अभी सीएलपी लीडर्स की बात मीटिंग हुई, ऑल इंडिया सीएलपी लीडर्स सब बुलाए, हम भी गए, वहाँ मीटिंग हुई, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, जो कहना कह सकते हैं कहा, प्रदेश को रिप्रेजेंट किया। जो और अच्छे अच्छे स्टेट के नेता लोग बैठे थे तंदुरुस्त, तो उसमें मेरी दुबला पतला ये भी अच्छा, बैठा और पूरी बात कही। अभी आप कुछ व्यापम की जैसे बात करें तो व्यापम में अभी 23 सितंबर को कई सारे छापे पड़े हैं, लगभग 40 ठिकानों पे पड़े हैं पूरे एमपी और यूपी के। 40 जगह पे हाँ, 40 जगहों पे छापे मारे हैं, और उसके बाद अभी स्टेटस रिपोर्ट देनी है 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में। तो हाँ, अभी तक जो जांच व्यापम को लेकर हुई है सीबीआई की, उससे आप संतुष्ट हैं क्या? व्यापम की जांच पे अभी टिप्पणी करना उचित नहीं है क्योंकि सीबीआई जांच कर रही है और उम्मीद ये कर रहे हैं कि सीबीआई जांच निष्पक्ष करेगी। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हम उन लड़कों को ही पकड़ रहे हैं क्या, लड़कों से जिनने पैसे खाए और उनको लगवाया नौकरी, उनको भी पकड़ रहे हैं। लड़कों को पकड़ लो ठीक है, उनने पैसे दे दिए, लेकिन जिसने पैसे लिए और ऊपर पहुंचाए उनको क्यों नहीं पकड़ा? फिर उसके बाद जिनने पॉलिसी बदली, नियमों में बदलाव करवाया, उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ रहे? तीसरे, जिन लोगों ने पॉलिसी के मेजर डिसीजन लिए, सीएम ने जैसे लिए कई डिसीजन, चीफ सेक्रेटरी ने लिए और दूसरे अधिकारियों ने लिए, सेक्रेटरी व्यापम जो रहे, सेक्रेटरी उस विभाग के जो रहे टेक्निकल एजुकेशन के, उन सब ने बदलाव किए, उन पे हम एक्शन क्यों नहीं ले रहे? उनको लेके अंदर डाले तो नीचे से और भी बहुत सारी पोले खोलेंगे, वो होना चाहिए। तो अभी भी मतलब आपको लग रहा है कि जांच में कहीं कोई कमी है? हाँ, जांच में हमें ऐसे एकदम सीबीआई वाले बेचारे मेहनत से जांच कर रहे हैं, हमारे फोर्स के लोग हैं, हम उन पर भरोसा करते हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि वो इतने के बावजूद भी कुछ कह नहीं पा रहे, खुल के क्यों नहीं कह रहे? इनको पकड़ना है पकड़ो, लड़के तुम 2000 4000 पकड़ लिए तो वो तो पैसा दे चुके बैठे, लुट के बैठे। अरे उनको तो छोड़ो, उनका पैसा गया, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लो उन पे, एडमिशन कैंसिल, नौकरी कैंसिल, पैसे खत्म। अब दूसरे उनने जिनने पैसे लिए उनको पकड़ो और उनसे पैसे जब्त करो, असली वो हैं। तीसरे वो हैं जिन्होंने टेक्निकल एडवाइस दिए और उसमें उन्होंने उनकी मदद की है, उनको पकड़ो। तीसरे श्रेणी के, चौथी श्रेणी के वो हैं जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जैसे रंजना बघेल। अब रंजना बघेल को पैसे दे रहे हैं, जो दे रहा है वो कह रहा है मैंने पैसे दिए इनको, आपने उसे सरकारी गवाह बना दिया, रंजना तो चौधरी, ये क्या कह रहा है? ये कहीं ना कहीं सीबीआई की नियत पर शंका खड़ी कर देगा, तो ये चीजें इनको देखनी चाहिए। मतलब अभी भी कड़ियां बहुत सी छूट रही हैं जो सीबीआई को जोड़नी है, निश्चित बिल्कुल छूट नहीं, लेकिन अभी तक जो जितनी जांच हुई है वो आपको लग रहा है कि ठीक है? आप उसको कैसे कि ठीक कह देंगे? हमने आपको बताया कि 4 कैटेगरी की आरोपी हैं, 4 कैटेगरी, पहली कैटेगरी पकड़ लेते हो लड़कों को, अरे उनको छोड़ दो, लड़के ने तो पैसे दे दिए, घर बेचा, खेत बेचा, जो भी किया, दे के पैसे वो एडमिशन हो गया, उसका नौकरी लग गई है, जो हो गया, जो सीबीआई को देखना चाहिए। कटारे जी, आपसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का।